आदरणीय कुंवर प्रमोद चंद मौर्य जी, समाजवादी पार्टी ने भदोही में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आपकी बहू को प्रत्याशी बनाया है, इसमें आपकी क्या तैयारी चल रही है? सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उनके आदेश से हमारे जनपद के जिला अध्यक्ष आदरणीय विकास यादव जी ने मेरे बहू को, जो समाजवादी सेवक परिवार है, तो समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत पद के प्रत्याशी का उम्मीदवार बनाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। चूँकि समाजवादी पार्टी से जनपद भदोही में सर्वाधिक 10 मेंबर्स जीते हैं, तो आपकी क्या तैयारी चल रही है, किस तरह से आप रणनीति बना रहे हैं जीतने के लिए? समाजवादी पार्टी को पूरे प्रदेश की जनता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विकास पुरुष के रूप में जानती है। ये जानती है कि जो अखिलेश यादव जी कहेंगे उसको अवश्य करेंगे, उनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। अब समय आ गया है 2022 में कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बने, इसलिए समाजवादी पार्टी के 11 में समाजवादी पार्टी के 10 नहीं 11 सदस्य जीते हैं, जो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों से पहले से प्रभावित हैं और वर्तमान में जो चुनाव हुआ है इसमें तो हम 26 में से 20 ऐसे हमारे सम्मानित सदस्य हैं जो चुनाव जीत करके आए हैं, वो समाजवादी विचारधारा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सिद्धांतों से पूर्णतया सहमत हैं और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं। हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नीतियों से प्रभावित होकर के 26 में से 20 की संख्या में लोग प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी जिला पंचायत में अपना परचम लहराने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा प्रकट करते हैं कि निश्चित जनपद भदोही में समाजवादी पार्टी जिला पंचायत में अपना परचम लहराएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करेगा।